14 जून 2020 को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने अपना एक बहुत ही चमकता सितारा खो दिया, सुशांत सिंह राजपूत। उनके इस तरह अचानक चले जाने से पूरा देश हिल गया। हर तरफ मीडिया में यही खबर थी और लोगों में बहुत गुस्सा था। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार में हुआ था। उन्हें टेलीविजन सीरीज पवित्र रिश्ता से बहुत पहचान मिली और फिर उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और छिछोरे जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए बहुत तारीफ बटोरी। उनके आकर्षण, प्रतिभा और समर्पण ने उन्हें लाखों प्रशंसकों का प्यार दिलाया। जून के उस दुखद दिन सुशांत बांद्रा मुंबई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। पुलिस ने पहले तो इसे आत्महत्या बताया, लेकिन उनकी मौत के आसपास के हालात ने कई सवाल खड़े कर दिए। शुरुआती फोरेंसिक जांच में घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए गए। इसमें शरीर की स्थिति का विश्लेषण करना, संघर्ष के निशान की जांच करना और उंगलियों के निशान और डीएनए नमूने जैसे फोरेंसिक सबूत इकट्ठा करना शामिल था। मौत के किसी भी संदिग्ध मामले में घटना स्थल की फोरेंसिक जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम ऐसे भौतिक सबूत खोजते हैं जो यह संकेत दे सकें कि मृत्यु स्वयं हुई थी या किसी और ने हत्या की थी। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए एक पोस्टमार्टम किया गया। नतीजों से पता चला कि फांसी लगाने से दम घुटने से मौत हुई थी, लेकिन सुशांत की मौत से पहले उनकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए आगे टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण थी। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से शरीर में ऐसे पदार्थों की मौजूदगी का पता चल सकता है जो डिप्रेशन या किसी और समस्या की ओर इशारा करते हैं। किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी के लिए यह बहुत जरूरी है। इस मामले को लोगों के सामने लाने में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार कवरेज से कई तरह के अंदाजे और कयास लगाए जाने लगे, जिससे मीडिया में एक तरह का हंगामा मच गया। हालांकि इसने मीडिया के तरीके और नैतिक रिपोर्टिंग के बारे में भी चिंताएं पैदा की। मामला तब राजनीतिक मोड़ ले गया जब विभिन्न पार्टियों ने जनता के गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की। बिहार पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज की, जिससे कई एजेंसियों जिनमें CBI और NCB शामिल हैं के बीच कानूनी लड़ाई का एक जाल सा बिछ गया। इस घटना पर लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। हजारों की संख्या में लोग शोक व्यक्त करने और न्याय की मांग करने के लिए कैंडल लाइट विजिल में शामिल हुए। सुशांत के फैंस एकजुट हुए और इस मामले की तह तक जाने की जिद पर अड़े रहे। लगातार जांच के बावजूद मामला अभी भी उलझा हुआ है। सुशांत के परिवार और फैंस अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा कि उनकी मौत कैसे हुई। सुशांत की कहानी हमें जिंदगी कितनी नाजुक होती है और दूसरों के लिए हमारे दिल में प्यार होना कितना जरूरी है, यह याद दिलाती है। जैसे जैसे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्थाओं की मदद करके और एक दूसरे के लिए अपने दिलों में प्यार जगाकर सुशांत की यादों को जिंदा रखना चाहिए।